हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अखिल खत्री और इस चैनल का नाम है पैसा वैसा, जहां पे हम बात करने वाले हैं ऐसे वीडियोस की जो आपको हेल्प करेगा ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए। तो इस चैनल पे आपको जो भी वीडियोस मिलेंगे वो होंगे रिलेटेड टू मेकिंग फ्रीलांस इनकम, पार्ट टाइम, फुल टाइम, वर्क फ्रॉम होम, और ये सभी चीज़ें मोस्टली होगी ऑनलाइन। फिलहाल के लिए वी आर नॉट गोइंग टू टच ऑन दी ऑफलाइन वर्क्स, क्योंकि रीज़न काफ़ी सिंपल है। आप लोग को पता है करंट सिचुएशन कैसी है, आप लोग को ये पता है काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए पॉसिबल नहीं होता है घर से बाहर निकल के एक फुल टाइम जॉब करना या पार्ट टाइम जॉब करना किसी और के ऑफिस में। इसलिए हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन मनी मेकिंग, मेक मनी ऑनलाइन, अर्न मनी ऑनलाइन या फिर फ्रीलांसिंग वर्क की। और उसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो में जिसका टाइटल है 36 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन के बारे में बात करूं, मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में, क्योंकि ये पहला वीडियो है, मैं आपके साथ में ये 36 तरीके शेयर कर रहा हूँ जिससे आपको अंदाज़ा लगे कि क्या क्या ऑप्शंस हैं पॉसिबल जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं ऑनलाइन। और मैं आपको ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो पूरे तरीके हैं ये सिर्फ 36 तरीकों तक ही सीमित नहीं होंगे, देर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि इसके बाहर भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हों। तो जब जब भी ऐसी चीज़ें रहेगी मैं आपको डेफिनेटली उस चीज़ के लिए अपडेट कर दूंगा। और अगर आप अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप ऑलरेडी सब्सक्राइब होंगे चैनल को, अगर नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं यहां पे किसी भी फेक तरीके से पैसे कमाने के, किसी भी क्विक तरीके से पैसे कमाने के बारे में बात नहीं करूँगा। रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो आपको पैसा मिलता है या फिर जो ये डेटा एंट्री है जो फेक एक्चुअली में होती है, जो कैप्चा कोडिंग होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस पर्टिकुलर चैनल पे बात नहीं होगी। और जब भी बात होगी तो डेफिनेटली भांडाफोड़ होगा। तो अगर आप इन सभी चीज़ों से ओके हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बात करते हैं उन 36 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन की इन द ईयर 2020। सबसे पहली चीज़ है जो मैंने यहाँ पे पूरी लिस्ट बनाई है, उसमें है कंटेंट राइटिंग। अब यहाँ पे डिफरेंट तरीके के आपके पास में राइटिंग के ऑप्शंस होते हैं, राइटिंग जॉब्स भी काफ़ी ज़्यादा होती है। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कंटेंट राइटिंग, क्योंकि ये एक तरीके से काफ़ी आम है, आपके लिए इन तरीके की जॉब मिलना काफ़ी ईजी होता है। अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हैं तो आपके पास में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, ऐसे बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप काम ढूंढ सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर जॉब कैटेगरी में आपको करना क्या होता है, आपको कंटेंट लिखना होता है किसी के वेबसाइट के लिए, किसी के ब्रोशर के लिए या बाकी सभी चीज़ों के लिए जिसके लिए रिक्वायरमेंट है। तो ये जो मोस्टली होता है ये वेब कंटेंट राइटिंग होती है, जो आर्टिकल्स होते हैं जो आप किसी की वेबसाइट के लिए लिखते हैं, ब्लॉग पोस्ट हो सकते हैं जो आप किसी के ब्लॉग के लिए लिख रहे हैं। तो ये कम्प्लीटली फ्रीलांसिंग होती है, आप किसी के लिए काम करते हैं या आप किसी के लिए प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हैं या किसी के लिए आर्टिकल बेसिस पे काम करते हैं। अलग अलग बेसिस होते हैं, अलग अलग पेमेंट होता है, पेमेंट यूजुअली वैरी करता है कुछ 100 रुपीज से, मतलब 100-150 रुपए से लेकर हजारों रुपए पर आर्टिकल भी लोग कमा लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन आपका क्लाइंट कैसा है। तो इस पर्टिकुलर चीज़, जो जितनी भी मैं आपको चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ, जो ये 36 तरीके हैं पैसे कमाने के ऑनलाइन, इनमें हर एक टॉपिक के बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ आगे आने वाले वीडियोज़ में। और मैं आपको ऐसे रिसोर्सेज शेयर करने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेंगे पैसा कमाने के लिए या फिर इस तरीके की जॉब्स को ढूंढने के लिए, अप्लाई करने के लिए और शॉर्ट तरीके से उस काम को पाके पैसा कमाने के लिए। और ये भी चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को लगता है कि इन 36 तरीकों में से कोई ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसको मुझे पहले टच करना चाहिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए, ताकि मैं आपको बताऊँ कि आप किस तरीके से उस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आप किस टॉपिक पर चाहेंगे आउट ऑफ ऑल दी 36 वेज ऑफ मेकिंग मनी ऑनलाइन। कमेंट सेक्शन में सिर्फ कमेंट कर दीजिए। अगर कंटेंट राइटिंग आपका एक ऑप्शन है या आपका सजेशन है तो आप कंटेंट राइटिंग के ऊपर वीडियोस बनाइए, ऐसा आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो ये तो हो गया हमारा पहला जो ऑप्शन है ऑफ मेकिंग मनी ऑनलाइन, वो हो गया कंटेंट राइटिंग। दूसरा है बींग अ वर्चुअल असिस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, आप किसी का काम मैनेज करते हो अपने ही घर से ऑनलाइन। कई बार क्या होता है, काफ़ी सारे ऑफिसेज में, मैंने भी एक्चुअली में कई बार वर्चुअल असिस्टेंट को हायर किया है कुछ टाइम के लिए। तो होता है क्या, जैसा अगर मान लीजिए मैं आपको पर्सनल एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर हूँ फुल टाइम, वेडिंग एंड लाइफ स्टाइल फोटोग्राफर। कई बार क्या होता है कि मुझे इतना टाइम नहीं होता है कि मैं किसी क्लाइंट को कॉल करूं, बात करूं, फॉलो अप करूं या फिर कुछ रिक्वायरमेंट है वो मैं समझूं। कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉल करने पड़ते हैं या चीज़ें समझनी होती है।
वहाँ पे चीज़ें समझने के बाद में आपको नोट्स तैयार करने होते हैं एंड देन यू आर गुड टू गो। ये चीज़ करने के लिए मैंने कई बार वर्चुअल असिस्टेंट को हायर किया है ताकि जो 100-200 लोगों को जो कॉल करने होते हैं कई बार क्लाइंट्स को समझने के लिए कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सभी चीज़ें, वो जो काम है वो वर्चुअल असिस्टेंट कर लेता है। सिमिलरली आपके काम पे डिपेंड करेगा या जो आपको हायर करेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपसे वो क्या काम करवाना चाहते हैं। दिस माइट ऑल्सो इंक्लूड अ बिट ऑफ डेटा एंट्री, किसी के अपॉइंटमेंट लेना, कॉल करना, ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो सकती है। काफ़ी मतलब वास्ट ये एरिया होगा कि किस तरीके का काम होता है वर्चुअल असिस्टेंट में, वो टोटली डिपेंड करेगा कि आपको हायर कौन करता है। तीसरा तरीका होगा ऑनलाइन पैसे कमाने का, डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको किसी और की मार्केटिंग करनी होती है डिजिटली, यानी कि ऑनलाइन। अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ब्रांड है, अगर आप उनका प्रमोशन करना चाहें तो किस किस तरीके से हो सकता है, कितने ब्लॉग्स आपको लिखवाने हैं ब्लॉगर्स से तो आपको उनको कॉन्टैक्ट करना होगा, कितनी कितनी जगह पे आर्टिकल्स आपको पब्लिश करवाने हैं, किन किन लोगों से आपको एड्स करवाने हैं, वीडियो मार्केटर जो हैं उनसे क्या क्या काम करवाना है, ये सभी चीज़ें होती है एक डिजिटल मार्केटिंग वाले इंसान की। तो अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं एज एन इंटर्न किसी के अंदर, पर आपके पास में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में भी अपना करियर बताने के लिए, बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी आपको पता है अभी जो भी वर्ल्ड है वो काफ़ी डिजिटल हो चुका है एंड डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेरी वेरी कॉमन। तो अगर आपको लगता है कि ये आपका एक फील हो सकता है, डू इट, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। उसके बाद में नेक्स्ट वन है अफिलिएट मार्केटिंग, जो मुझे लगता है आप लोगों में से काफ़ी लोगों को मालूम होगा, जो कि यूजुअली होता है कि आप एक तरीके से एक छोटा सा कमीशन कमाते हैं बीच में कोई पर्टिकुलर चीज़ को सेल करने के लिए। से फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल होगा ईबे के लिए, अमेजोन के लिए या फ्लिपकार्ट के लिए। तो नॉर्मली वहाँ पे क्या होता है कि आप अपने आप को एज एन अफिलिएट वहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो आपका काम ये होता है कि उनका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उनका जो लिंक है, जो आपके अफिलिएट के हिसाब से एक पर्सनलाइज लिंक होगा, वो लिंक अगर आप किसी के साथ में शेयर करेंगे और वो पर्टिकुलर इंसान अगर उस लिंक को यूज़ करके कोई चीज़ खरीदता है तो आपको कुछ परसेंटेज, कुछ अमाउंट मिलता है जो आपकी एफिलिएट इनकम होती है। इसी तरीके से काफ़ी अलग अलग आपके जो वेबसाइट्स हैं वो आपका डिफरेंट शेयर आपको देते हैं, तो एफिलिएट मार्केटिंग इज़ वेरी स्ट्रांग एज वेल। अगर आपके पास में एक ब्लॉग है या फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके पास में ऑलरेडी एक पब्लिक के लिए रीच है, तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग से काफ़ी इनकम करने के लिए। इस चीज़ के बारे में डिटेल में बाद एक डेडिकेटेड वीडियो में ज़रूर करेंगे कि किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपका कोई भी ब्लॉग कुछ भी नहीं है तो भी आप क्या कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बात ज़रूर होगी। नंबर 5 तरीका है ऑनलाइन ट्यूशंस का। तो आप लोग को मालूम है अभी फ़िलहाल के लिए क्या हो रहा है, क्योंकि काफ़ी जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो घर पे हैं, तो जूम के द्वारा या फिर बाकी और प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन ट्यूशंस हो रही हैं, काफ़ी लोग ऑनलाइन ट्यूटर्स को कॉन्टैक्ट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। काफ़ी प्लेटफॉर्म्स ऐसे अवेलेबल हैं जैसे कि उडेमी है, जहाँ पर आप एक्चुअली में ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं ऑनलाइन ट्यूशंस देके। तो अगर आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ रखते हैं तो आप उसकी ट्यूशंस ले सकते हैं, जो ऑनलाइन होगी आप घर से ले सकते हैं पूरी की पूरी चीज़ें, तो काफ़ी इजी हो जाता है। स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पे तो ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है अभी कि इसका जो स्कोप है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। पीपल डेफिनेटली नीड अ गुड ट्यूटर लाइक यू अगर आप एक एक्सपर्ट हैं। नेक्स्ट नंबर 6 जो कि मैं कर रहा हूँ, जो कि है एक वीडियो क्रिएटर। तो अगर आप चाहें तो आप एक वीडियो क्रिएटर बन सकते हैं, आप YouTube पे वीडियोस बना सकते हैं, आप TikTok पे वीडियोस बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर आप और किसी प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाना चाहें वो बना सकते हैं, और साथ ही में आप इस चीज़ को मोनेटाइज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सारे प्लेटफॉर्म के अलग अलग नियम होते हैं, फिलहाल के लिए जो ये चैनल है ये मोनेटाइज नहीं है, इस पर्टिकुलर वीडियो से मुझे कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, पर फिर भी अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड लाइक दिस वीडियो एज वेल। तो ये हो गई बात वीडियो क्रिएटर की, जो कि था हमारा नंबर 6 तरीका। नंबर 7 तरीका है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। काफ़ी कॉमन वर्ड है, प्रीटी श्योर आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि कोई फेसबुक से पैसा कमा रहा है, कोई इंस्टाग्राम से पैसा कमा रहा है, कोई ट्विटर से पैसा कमा रहा है। यहाँ पे क्या करते हैं ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, इनके पास में काफ़ी ब्रांड्स होते हैं, ब्रांड इन्हें कॉन्टैक्ट करते हैं, उनसे कुछ कंटेंट करवाते हैं, ये वहाँ पे पोस्ट या वीडियो या स्टोरी डालते हैं और उनको पैसा मिल जाता है। तो ये काम होता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का, जो कहीं ना कहीं मार्केट करते हैं चीज़ों को, अपना जो प्लेटफॉर्म उन्होंने बिल्ड करा है उसी चीज़ को यूज़ करके। नंबर 8 है ब्लॉगर। अगर आप मान लीजिए राइटिंग किसी और के लिए नहीं करना चाहते, अगर आप खुद के लिए लिखना चाहते हैं, तो आप एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी एक खुद की वेबसाइट और खुद का डोमेन हो, आप जो एक सब डोमेन जो होते हैं जैसे कि समथिंग समथिंग एक्स वाई जी या फिर पैसा वैसा .blogspot.com या पैसा वैसा .wordpress.com,
इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप फ्री में अपना ब्लॉग बना सकते हैं। ऑफकोर्स आपके लिए मोनेटाइज करना पॉसिबल नहीं होगा उन प्लेटफॉर्म्स में, पर आप एक्सपीरियंस के लिए समझ सकते हैं। जैसे जैसे आप सक्सेसफुल होते हैं, जैसे जैसे आप चीज़ें समझते हैं, आप वहाँ पे अपना डोमेन में मूव कर सकते हैं बाद में अपने उस ब्लॉग को। तो आपको वहाँ पे एक स्पेसिफिक नीश को सेलेक्ट करना होता है और वो करने के बाद में आपको उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखने होते हैं, ब्लॉग पोस्ट लिखने होते हैं, जो आप धीरे धीरे अपने जो व्यूअर्स होते हैं, जो रीडर्स होते हैं आपके, उनके लिए आप लिखते हैं। जैसे जैसे आप पॉपुलर होते हैं, आपकी जो इनकम होती है वो एड से होती है, स्पॉन्सर्स आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, ब्रांड आपको कॉन्टैक्ट करते हैं कुछ ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए उन लोगों के लिए। तो ये सभी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है अगर आप एक ब्लॉगर होते हैं। तो आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं, जैसा मैंने मेंशन किया था, अगर आप एक ब्लॉगर होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मैं इन दोनों चीज़ों की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ करते हो तो इन 36 चीज़ों में से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आप साथ में कर सकते हो, और अगर आप साथ में करोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे अगर आप एक अच्छे ब्लॉगर हो, एफिलिएट मार्केटिंग साथ में करना वुड बी वेरी मच रिक्वायर्ड, और एक्चुअल मैं बोलूँगा कि काफ़ी एडवाइजेबल रहेगा अगर आप वो चीज़ करते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम तरीके की बात करें वो होगी ऑनलाइन इंटर्नशिप। यहाँ पे ये जो एरिया है ये काफ़ी वास्ट होगा, पर ये उन लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा जो पैसा कमाने से ज़्यादा सीखने में भरोसा रखते हैं, सीखने की रिक्वायरमेंट को फील करते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं बात करूँ डिजिटल मार्केटिंग की, जिसमें आपको जीरो एक्सपीरियंस है पर आप फिर भी उसको समझ के उसको स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप एक ऑनलाइन इंटर्नशिप कर सकते हैं किसी कंपनी के अंदर, किसी इंडिविजुअल के अंदर जो आपको हायर कर रहे हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आजकल अवेलेबल है जहाँ पे आपको पता लग जाता है कि किस तरीके की इंटर्नशिप है, कहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ के बारे में भी मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो में बताने वाला हूँ, तो उस चीज़ की टेंशन की बात नहीं है, पर फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इससे भी आपका काम डेफिनेटली बन सकता है। उसके बाद में गूगल एड्स, आपके पास में गूगल एड क्रिएट करने वाले एक्सपर्ट्स अगर आप बनना चाहें तो आप वो भी पॉसिबिलिटी है। अगर मान लीजिए आप अच्छा ज्ञान रखते हैं गूगल में एड्स किस तरीके से बनाया जाए, कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे उस चीज़ को, कैसे कम पैसा लगा के भी आप ज़्यादा रीच कर सकते हैं, ज़्यादा कन्वर्जन्स कर सकते हैं, ज़्यादा लीड जनरेट कर सकते हैं, ये एक्सपर्टीज़ अगर आपके पास में है तो आप एक गूगल एड एक्सपर्ट बन सकते हैं। आप दूसरी कंपनीज के लिए, दूसरे लोगों के लिए, दूसरे फ्रीलांसर्स के लिए गूगल एड रन कर सकते हैं। नेक्स्ट तरीके की बात करूं तो होगा SEO एक्सपर्ट, जो कि होगा समथिंग सिमिलर। यहां पे आप सिर्फ एड रन नहीं कर रहे, यहां पे आप सामने वाले का जो प्लेटफॉर्म है, जो वेबसाइट है, जो ब्लॉग है, उसकी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जो कहीं ना कहीं जो उसकी रैंकिंग है गूगल में बाकी सर्च इंजन्स में, उसको आप एक्चुअली में बढ़ा रहे हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ताकि जो उनका सर्च होके सबसे पहले आने की जो पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज हो पाए। तो अगर आप उसमें एक्सपर्टीज रखते हैं, अगर आप वो समझते हैं, तो आप एक SEO एक्सपर्ट भी बन सकते हैं और उससे भी काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। 12वें तरीके की बात करूँ तो वो होगा सोशल मीडिया बिजनेस एनालिस्ट। तो यहाँ पे काफ़ी लोग आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एनालाइज करके आपको हेल्प करते हैं उसको डिजिटली ग्रो करने के लिए। जैसे से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल की बात करूँ, जो कि है @AkhilKhatri, जो आपको फॉलो कर लेना चाहिए। अगर मान लीजिए आप में से कोई बंदा मुझे कॉन्टैक्ट करता है और मुझे बोलता है कि आपका जो नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं या जो एंगेजमेंट है वो मैं कुछ तरीके को यूज़ करके बढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे काफ़ी तरीके होते हैं, आप ऐड भी रन करते हैं उसके साथ में, काफ़ी ऑप्टिमाइजेशन और भी होते हैं, तो वहाँ पे भी चीज़ों को काम कर सकते हैं और अपनी जो एक्सपर्टीज़ है उसको यूज़ कर सकते हैं। 13वां तरीका होगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अगर आप लोगोज़ बना सकते हैं, अगर आप अच्छे ग्राफिक्स बना सकते हैं, अगर आप एक फ़ोटो एडिटर भी हैं, तो आपके लिए ये पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। बहुत प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट होते हैं, आप किसी के अंडर पार्ट टाइम या फुल टाइम काम भी कर सकते हैं, अपने घर से पूरा काम कर सकते हैं अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो उसके बाद में नंबर 14 है ट्रांसलेशन सर्विसेज। कई बार क्या होता है कि किसी को रिक्वायरमेंट होती है कि कोई चीज़ जो है, अगर कोई वीडियो है वो इंग्लिश में है, तो उनको उसी चीज़ को ट्रांसलेट करवाना होता है, मे बी से फॉर एग्जाम्पल हिंदी में या कोई रीजनल लैंग्वेज में। तो अगर वहाँ पे चीज़ें होती है और अगर आप उस भाषा का ज्ञान रखते हैं जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, तो आप ट्रांसलेशन सर्विसेज में भी काम कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड नंबर 15 होगा ट्रांसक्राइबर। तो जहाँ पे मैं आपको बात कर रहा हूँ ट्रांसलेशन करने के लिए, जो यूजुअली वोकल होता है, वहीं पे अगर मैं रिटन ट्रांसलेशन की बात करूँ, जो होता है ट्रांसक्रिप्शन। अगर मान लीजिए कि कोई ऑडियो है जिसको मुझे रिटन में कन्वर्ट करना है, तो वो होता है ट्रांसक्रिप्शन करना, और आप होंगे एक ट्रांसक्रिप्शनिस्ट। तो अगर मान लीजिए एक वीडियो फाइल है 30 सेकंड की या 1 मिनट की, किसी ने आपको दी, उन्होंने आपको बोला कि इस पर्टिकुलर ऑडियो फाइल को मुझे चाहिए रिटन में पूरा, तो आपको वो सुन के टाइप करना होता है और आपको वो चीज़ शेयर करनी होती है। काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं ट्रांसक्राइबर के लिए, काफ़ी पॉपुलर है ये भी, और यहाँ से भी आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद में नंबर 16 है ई ऑथर।
अगर आप अच्छा लिखते हैं, अगर आप ऑथर बनना चाहते हैं, तो आप किंडल में अपनी जो बुक है उसको सेल कर सकते हैं, जो ई बुक है, और भी काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ई बुक को अपनी तैयार करके आप सेल कर सकते हैं। उसके बाद में है नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे काफ़ी लोग इस चीज़ को समझते हैं कि इतना अच्छा नहीं है, पर अगर आप इस चीज़ में एक्सपर्टीज रखते हैं, अगर आप समझते हैं कि जो ये जो सिनर्जी कैसे होती है, जो अगर आप बात करें 2:2 की पावर कैसे होती है, किस तरीके से ये आगे बढ़ता है, किस तरीके से आप कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करके आप चीज़ों को सही कर सकते हैं, तो आप एक नेटवर्क मार्केटर भी बन सकते हैं। नंबर 18 है स्टॉक ट्रेडिंग, जो होगा उन लोगों के लिए जो स्टॉक में, जो फाइनेंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप शेयर्स और जो म्यूचुअल फंड्स हैं इन सब में इन्वेस्ट करके आप अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करके और भी पैसा कमा सकते हैं। ऑफकोर्स रिस्क है, इस चीज़ के बारे में डिटेल में आगे हम बात करेंगे डेफिनेटली, पर ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद में एक ऑप्शन है 19, जो कि है रीसेलर। यहाँ पे क्या होगा कि आप कहीं से कोई सामान खरीद रहे हैं और आप अपने पास रख रहे हैं और उस चीज़ को कुछ मार्जिन में बढ़ा के आप अपना मार्जिन रखते हुए आगे उसको बेच रहे हैं। तो आप रीसेलर हैं, आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे पर आप कहीं से खरीद के कहीं और बेच रहे हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी भी काफ़ी सही है, जो आप अपने घर से ऑनलाइन काम कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं या और कहीं पे भी आप डेफिनेटली बेच सकते हैं। उसके बाद में ऑप्शन है ऐप डेवलपर का। अगर आप एक टेकी हैं, अगर आप ऐप डेवलप कर सकते हैं, तो ऐप्स को बना के उसको सेल करना। कई बार लोग अपनी ऐप को खुद रखते हैं, कई बार ऐप बना के किसी और को सेल कर देते हैं, काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं। उसी से रिलेटेड एक और है जो कि होगा वेब डेवलपर का, जहाँ पे आप ऐप ना बना के वेबसाइट बनाएंगे किसी के लिए सेल कर देंगे। कई बार लोग पूरी वेबसाइट बना के सेल करते हैं, कई बार किसी के लिए वेबसाइट बनाते हैं। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे भी जो आप डेफिनेटली टच कर सकते हैं। उसके बाद में बात होती है नंबर 22, जो कि रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट है। तो जहाँ पे वेब डेवलपमेंट में आप वेबसाइट बनाते हैं किसी के लिए, वहीं पे वेबसाइट सेलर वेबसाइट को सेल करता है। आप वेबसाइट को खरीदते हैं, वेबसाइट को सेल कर देते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे डोमेन बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, ब्लॉक करते हैं और उसके बाद में सेलर्स को बेच देते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा काम है, काफ़ी लोग इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में मीम मार्केटिंग, जिसका मुझे पता लगा था, मैंने हिमेश मदान जी की एक वीडियो देखी थी, उस चीज़ के बारे में मुझे पता लगा कि मीम मार्केटिंग भी कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है अब, और काफ़ी लोग इस चीज़ को भी एज अ करियर ऑप्शन ले रहे हैं। फ्रीलांसिंग में काफ़ी काम मिल रहा है लोगों को, जहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स हैं वो आपको कॉन्टैक्ट करती है मीम बनाने के लिए, तो वहाँ पे उस मीम में एक ब्रांड का प्रमोशन भी हो जाता है मीम के ज़रिए। तो मीम नॉर्मली क्या होता है, जो लोग नॉर्मली सजेस्ट करते हैं या फिर शेयर करना चाहते हैं, उस चीज़ के जरिए जो नॉर्मल शेयर करते हुए ब्रांड का काफ़ी प्रमोशन हो जाता है। नंबर 24 होगा ड्रॉप शिपिंग, जहाँ पे क्या होगा, रीसेलर में क्या हो रहा था, आप कहीं से सामान ले रहे थे और अपने पास रख रहे थे और फिर उसको बेच रहे थे। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि अगर मान लो कि मुझे अमेजोन पर कोई घड़ी दिखी जो 200 रुपये की है, मैंने उसी 200 रुपये की घड़ी को अपनी वेबसाइट पर वो फोटोज़ यूज़ करते हुए मैंने मेंशन कर दिया सिर्फ 400 रुपये। जैसे ही मेरा जो कोई कस्टमर है अगर 400 रुपये की घड़ी खरीदता है, तो मैं क्या करूँगा, अमेज़ॉन को मैं उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट का जो डिटेल्स है वो दे दूंगा, अमेज़ॉन डायरेक्टली उनको कुरियर कर देगा। यहाँ पे मैं अमेज़ॉन का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप अमेज़ॉन की वेबसाइट समझेंगे, पर नॉर्मली अमेज़ॉन के थ्रू नहीं होता है, यहाँ पे नॉर्मली कोई दूसरी कंपनी होती है जिसके लिए आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं कस्टमर को पता ही नहीं लगता है कि एक्चुअली में बीच में कोई बंदा भी था जिसने कुछ पैसा लिया, जो उसको लगता है वो ये लगता है कि कंपनी से डायरेक्टली उसने खरीदा है और इतने इतने अमाउंट में खरीदा है। तो ऑफकोर्स आप अपने मार्जिन रख सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग भी काफ़ी अच्छा तरीका है, काफ़ी टेक्निकल है समझने के लिए, पर करने के लिए काफ़ी इजी रहेगा अगर आप एक बार समझ जाएंगे इस चीज़ को। उसके बाद में नंबर 25 है नॉट सो कॉमन, पर इस चीज़ को लोग समझते हैं कि ये एक सही तरीका नहीं है, विच इज़ ऑनलाइन सर्वेज या फिर फोकस ग्रुप मार्केटिंग। यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में फिलहाल इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, पर काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स है जैसे कि है सर्वे जंकी, स्वैगबक्स, ओपिनियन आउटपोस्ट, जहाँ पे आप अपने जो सर्व कुछ जो सर्वेज होते हैं जो उनके यहाँ पे लिस्ट होते हैं उनको देके आप उस चीज़ को कर सकते हैं। 99% जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो सर्वेज होते हैं वो इंडिया से रिलेटेड नहीं होते हैं, पर कुछ कुछ कई बार ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में होते हैं। तो आप इस चीज़ को एज मे बी साइड जॉब ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं जब भी कुछ भी काम आता है तो वहाँ पे कर सकते हैं, पर सिर्फ इसी चीज़ पर रिलाय करना इज़ नॉट मे बी से राइट थिंग। हम इस पर्टिकुलर थिंग पे भी फोकस करेंगे एक डेडिकेटेड वीडियो में समटाइम वेरी वेरी सून। उसके बाद में है नंबर 26 जो कि है क्लिक वर्क, जहाँ पे क्या होता है कि जो कंपनीज होती है जो मतलब मान लीजिए अगर कोई बंदा है जिसको अपना काम करवाना है, तो जो छोटे छोटे जो काम होते हैं जैसे कि छोटी सी डेटा एंट्री है या फिर छोटा सा आर्टिकल लिखवाना है, कोई ईमेल लिखवाना है, तो ये छोटे छोटे जो एकदम छोटे छोटे टास्क होते हैं जो कुछ घंटों में किए जा सकते हैं, वो कुछ प्लेटफॉर्म्स में डालते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं विद इन फ्यू आवर्स या विद इन अ डे।
जो कहलाता है क्लिक वर्किंग। तो अगर आप क्लिक वर्कर भी बनना चाहते हैं, अगर आप छोटे छोटे टास्क फिनिश करके अगर छोटा छोटा पैसा कमाना चाहते हैं तो भी ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इस चीज़ के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो वेरी सून। उसके बाद में नंबर 27 है म्यूज़िक क्रिएटर। अगर आप एक म्यूज़िक बनाने वाले हैं, म्यूजिशियन हैं, तो आप म्यूज़िक बना के भी बेच सकते हैं। किसी दूसरी कंपनी के लिए आप म्यूज़िक बना के उनको दे सकते हैं, या फिर आप म्यूज़िक फाइल बना के डायरेक्टली आप बेच भी सकते हैं एज स्टॉक म्यूज़िक। तो अगर ये चीज़ आप करना चाहें वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी नया मॉडर्न सा ऑप्शन है, पर डेफिनेटली हो जाएगा काम। उसी से रिलेटेड है स्टॉक फोटोग्राफी। तो जहाँ पे आप म्यूज़िक बेच रहे थे वहाँ पे आप फोटोज़ को बेचेंगे। काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स अवेलेबल है जहाँ पे आप अपने फ़ोटोज़ को वहाँ पे आप उनको ऐड करके, अपलोड करके, सबमिट करके अगर वो अप्रूव होती है तो उनकी वेबसाइट पे चली जाती है, और जैसे ही कोई ख़रीदता है तो आपको एक पर्टिकुलर परसेंटेज मिलता है उस सेल का, जो कि स्टॉक फोटोज़। उसके बाद में उसी से रिलेटेड अगर मैं फोटोग्राफी की ही बात कर रहा हूँ तो आप प्रीसेट्स भी बेच सकते हैं अपने। तो प्रीसेट्स कैन बी फॉर फोटोज़ और फॉर वीडियोज़। अगर आप फोटोग्राफी काफ़ी ज़्यादा करते हैं, अगर आप काफ़ी अच्छे एडिटर हैं, तो आप अपने प्रीसेट्स को सेव कर सकते हैं। लाइटरूम प्रीसेट्स को आप सेव कर सकते हैं, आप फोटोग्राफी जो फोटोशॉप के जो एक्शन हैं उनको सेव कर सकते हैं। अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो आप FCP के जो टेम्पलेट्स हैं, या फिर अगर मान लीजिए आप Adobe Premiere Pro के जो टेम्पलेट्स हैं वो आप सेव करके जो ये फाइल्स हैं, जो प्रीसेट फाइल्स हैं, वो आप बेच सकते हैं, जो काफ़ी लोग करते हैं। मैं भी प्रीसेट लाइटरूम प्रीसेट्स बेचता हूं। उसके बारे में आपको मैं फ्यूचर में बताऊंगा जब हम डेडिकेटेड वीडियो करेंगे प्रीसेट्स के ऊपर। उसके बाद में द नेक्स्ट वन इज़ सेल योर कोर्सेज ऑनलाइन। मैं ये चीज़ करता हूं क्योंकि मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूं, तो मैं अपने फ़ोटोग्राफी के कोर्सेज बेचता हूँ ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स पे। तो अगर आप चाहें, अगर आप एक एक्सपर्टीज़ रखते हैं किसी चीज़ में, तो अपने जो वीडियोज़ हैं उसको रिकॉर्ड कीजिए। अगर आप चाहें तो वही वीडियो को आप YouTube या कहीं पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आप उसको एक्सक्लूसिव रखना चाहते हैं तो आप उसको एक ऑनलाइन कोर्स बना के उसको बेच भी सकते हैं। उसी के बाद में बात करें नेक्स्ट ऑप्शन जो नंबर 31 है, मतलब काफ़ी जल्दी 31 पे आ गए हम लोग, जो कि है ऑनलाइन वर्कशॉप्स, जो अगेन मैं करता हूँ। यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर जाके कुछ नहीं करता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, जब आपका एक लॉयल फैन बेस हो जाता है, जब आपको काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, काफ़ी लोग आपके काम को समझते हैं, तो आपका क्या होता है कि आप अगर आप कोई ऑनलाइन वर्कशॉप रखना चाहें तो काफ़ी लोग आपको ज्वाइन करते हैं। तो क्योंकि मेरी एक डिसेंट सी रीच है इंस्टाग्राम पे, और मेरा दूसरा जो चैनल है ऑलमोस्ट सोशल वहाँ पे, तो मैं काफ़ी बार जो फोटोग्राफी वर्कशॉप है या फिर एडिटिंग वर्कशॉप है वो मैं करता रहता हूँ, जूम के जरिए, स्काइप के जरिए, या फिर नॉर्मल वीडियो कॉल के जरिए। वन ऑन वन वर्कशॉप्स अगर करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी किस में एक्सपर्टीज है वो आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन नंबर 32, सेलिंग मर्चेंडाइज। आपके खुद की टी शर्ट्स, मग्स, कप, ये सभी चीज़ें अगर आप सेल करना चाहें कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर भी अपने जो मर्चेंडाइज उनको सेल करते हैं, काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं। अगर आपका एक लॉयल फैन बेस है तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है अपनी खुद की मर्चेंडाइज को सेल करना, तो ये बात की बात है। स्टार्टिंग में अगर आप मान लीजिए किसी और की मर्चेंडाइज को भी अगर आप बेचना चाहें और एक रेफरल इनकम कमाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। नंबर 33, एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टू थिंग्स रिलेटेड टू राइटिंग। तो राइटिंग में अगर आप एडिटर बनना चाहें, किसी के ऑलरेडी लिखे हुए कंटेंट को अगर आप एडिट करना चाहें, एज एन एडिटर समझना चाहें, तो वो आप कर सकते हैं। प्रूफ रीडिंग अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्निकल नॉन टेक्निकल राइटिंग होती है, इस पूरी चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे, पर ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद में ऑनलाइन कंसल्टेंसी, अगर आप एक कंसल्टेंट बनना चाहें तो आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन नंबर 35 इज़ बी अ प्रोफेशनल गेमर। काफ़ी सही फील्ड होता जा रहा है धीरे धीरे, कंसिडरिंग कि मोबाइल गेमिंग कितनी आगे जा रही है, काफ़ी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं प्रोफेशनल गेमर्स के लिए भी। आपके पास में काफ़ी जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो होते रहते हैं, टूर्नामेंट होते रहते हैं, तो मैक्सिमम जो है वो आप ऑनलाइन करके भी इसमें काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं अगर आप एक अच्छा गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, लेजिटिमेट डेटा एंट्री जॉब्स। यहाँ पे मैं उन डेटा एंट्री जॉब्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो आपसे पैसा लेते हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए, मैं बात कर रहा हूँ एक लेजिट डेटा एंट्री जॉब की, जो एक अच्छी कंपनी, जो ट्रस्टेड कंपनी होती है, उनके थ्रू होती है, आफ्टर साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट होती है, जहाँ पे आप कोई पैसा नहीं देते उनको काम पाने के लिए। ये हैं वो 36 तरीके जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं टू अर्न मनी ऑनलाइन, पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करके, टू वर्क फ्रॉम होम। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ चीज़ मैंने मिस करी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है,
आप मुझे ज़रूर ये बताना मत भूलिएगा कि नेक्स्ट जो मेरा वीडियो है हम किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करें और उसके ऊपर ज़्यादा एक्सप्लोर करें, मैं आपको चीज़ें बताऊँ कि आप किस तरीके से किस फील्ड में कैसे इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। आई एम सॉरी अगर वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, तो क्योंकि लग रहा है मुझे काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, ऑलमोस्ट 25 मिनट का, पर इतनी इन्फॉर्मेशन थी शेयर करना तो मुझे लगता है शायद इतना टाइम तो होना ही था। इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ ही दिनों में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड प्लीज़ स्टे विथ पैसा वैसा, क्योंकि हमको काफ़ी पैसा कमाना है साथ में। टेक केयर।